ऐसा सिस्टम है जो हम लोग सोसाइटी के लिए प्लान कर सके या डिजाइन कर सके और बता सके बिल्डिंग वाले को कि आपको आरओ या वाटर फिल्टर का जरूरत के लिए ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, जो एमसीजी से पानी आता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाता है, फिर एक सिस्टम से वापस प्योरीफाई होके आपके घर तक आता है, तो आपको वो कॉस्ट नहीं करना है बेसिकली। कैन वी डिजाइन दोस काइंड ऑफ सिस्टम बेसिकली? यस यस एब्सोल्युटली। डिपेंडिंग ऑन सी, एक एवरेज वाटर क्वालिटी तो होती है, हमें पता है मुंबई में रियली स्पीकिंग जो बोलते हैं लोग आरओ सिस्टम डालने की, सच मानिए तो आरओ सिस्टम की आपको मुंबई में जरूरत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर प्यूरिफिकेशन जो चाहिए इज व्हाट यू नीड इज अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन, आप कर लो और थोड़ा बेसिक फिल्ट्रेशन कर लो, दैट इज गुड इनफ, यू डोंट नीड आरओ इन मुंबई। क्योंकि हमें आरओ इतनी कोई टर्बिडिटी नहीं है या इतनी सैलिनिटी नहीं है या इतना हार्डनेस हमारे पानी में नहीं है, एंड द एवरेज क्वालिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड बाय द पीएमसी। एज आई सेड कि कंटामिनेशन इश्यूज हो सकते हैं जिसके आई कैन नॉट प्रेडिक्ट के आज हमने जो बिल्डिंग में लाइन डाल दी है वो लाइन दो दिन बाद, दो महीने बाद या दो साल बाद कोई एक्सकेवेशन की वजह से पंक्चर नहीं हो जाएगा। बट देन यस, जैसे मैंने कहा कि एवरेज क्वालिटी मिलेगी आपको, उसको आप बेसिक ट्रीट करके सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट करके पूरी बिल्डिंग को दे सकते हैं, एंड देन यू कैन क्लेम कि हाँ हमें कोई भी आरओ या बेसिक फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है आपके घर में। जस्ट वन पॉइंट ऑन दैट चिंदन, you know, any treatment systems for water you select, especially RO, you should ensure that the treatment system should not take away all the minerals which are required for your health. Absolutely. You know, many times what happens at RO plant, everything, it removes the minerals altogether which are required for our health, for the health of the body. So right, it should not happen that it is, instead of helping you, it is damaging your health. So yes, that's an important factor to be considered when selecting a treatment plan.